नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लक्सर में दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। आरोपी सावेज पुत्र मुन्ना लक्सर के पीपली गांव का निवासी है। आपको बता दें कि आरोपी सावेज ने अपने एक और साथी अरमान के साथ मिलकर बीती 2 जुलाई को दिन दहाड़े लक्सर फ्लाईओवर पर बसेड़ी गांव के युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी, जिसको आज लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब लक्सर पुलिस फरार आरोपी अरमान को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। लक्सर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।